भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्योंकि ये भी वहां अंदर काम करती है और मैनेजर भी अंदर। बस एक शब्द नहीं बोलेंगी अब, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आरोप नहीं लगा रही हूं मैं तो बस शंका जता मत जताइए आपकी शंका, क्योंकि एक पुरुष कमजोर पड़ने पर सवाल औरत के चरित्र पर ही उठाता है, और अगर इसी का हथियार स्त्री भी बना लेना तो ये सही नहीं है। और आगे से ये सब मत कहिएगा। बिना कुछ जाने लक्ष्मी का इतना समर्थन? क्योंकि जितना मैं जानती हूँ ना दीदी को, उतना आप नहीं जानती है, इसलिए मत बोलिए कुछ। रमा छोड़ो, हम कारखाने चलकर काम की बात करते हैं। जा कारखाना, और जैसे यहां घर में खेल कर रही है वैसे वहां भी कर। खेल का मतलब समझ रही है ना? कुछ भी जिससे उस लक्ष्मी की नौकरी छूट जाए, उसे डांट खानी पड़े और वो अपमानित हो, वैसे कुछ भी। सुना है भीमराव कि शिशुपाल की शादी में जाने से अपने लोगों को रोके हो तुम? बोलो, जवाब दो। अरे एक मिनट सेठ जी, क्या है ना, इसकी शक्ल दिखाई नहीं पड़ रही थी मुझे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि हमसे झूठ बोलेगा कि सच। अब बताओ भीमराव, तुमने अपने लोगों को मेरे बेटे शिशुपाल की शादी में आने से रोका है या नहीं? अरे बोलो, जवाब दो। हाँ रोका मैंने, मगर उन्होंने बात नहीं मानी। वही गलती कर दिए तुम, और वही गलती तुम हर बार करते हो, बार बार करते हो, जो नहीं करनी चाहिए, किसी हाल में नहीं करनी चाहिए। अब देखो, तुम नहीं रोके होते तो जो होता वो सीधे उसी दिन होता, लेकिन तुम रोक दिए, हमारे साथ दखल अंदाजी किए हो। अब देखो मैं क्या करता हूं, बेवजह उनकी बेइज्जती। हाँ साहब, सही समय पे आए हो। क्या है ना, जिस जगह वो शादी का कार्यक्रम होने वाला है बहुत गंदगी है वहां पर, और वो कांटे वाले झाड़ भी। तुम तीनों मिलकर अच्छे से साफ सफाई कर दो वहां की। हाँ साहब कर देंगे, और वैसे भी शादी ब्याह के घर में तो मदद करना ही चाहिए ना, है क्या कहते हो? और इस काम के पैसे भी मिलेंगे तुम सबको। अरे सुनो, वो शिशुपाल तली दे। कल को कहने लगेगा कि शोषण कर रहा हूं मैं तुम तीनों का।
अरे मालिक ही भीमराव के कहां से कहां फर्क पड़ा था। लो, ये लो पैसे। अरे 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 इतनी भी क्या जल्दी है तुम तीनों को पैसा लेने के? क्या ना अचानक मेरे मन में एक इच्छा से जागृत हो गई है। बताइए। मेरी इच्छा ये है, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों, ये जो तुम तीनों ने ये बंडी पहन रखी ना, जिसे पहन के बड़े चमक रहे हो, यहीं मेरे सामने उतार के जाओ। चलो। लेकिन ऐसा क्यों साहब? अरे इच्छा है, इनकी इच्छा है, और इतने सारे पैसे काम के साथ साथ हमारी इच्छा मानने के भी तो है। आई समझ में? मेरी इच्छा। चलो बता रहा। देखिए ये सब बिल्कुल भी मत कीजिए आप लोग, ये आपको जलील करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अरे क्या जलील करने के लिए कर रहे? अरे शादी है मेरी, साफ सफाई करवानी है, तैयारियां करनी है, और ये लोग कपड़े पहनकर साफ सफाई करें या बिना कपड़ों के क्या फर्क पड़ता है? तुम तीनों बता, तुम्हें किस पर ज्यादा भरोसा है, मुझ पर या इस भीम पर? आज भरोसे की परख है, तो देखते हैं कि तुम लोग क्या करते हो। लेकिन भरोसा किस पर ज्यादा है ये बात ही नहीं है यहां पर, ये आपको जलील करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब इनका घर कितना दूर है यहां से, वहां तक आप ऐसे बिना कपड़ों के चले जाएंगे रास्ते पर तो लोग आपको चिढ़ाएंगे नहीं, जलील नहीं हो जाएंगे आप? ए, जल्दी से फैसला करो नहीं तो हम किसी और को बुला लेंगे। अरे नहीं नहीं मालिक, कौन और को काहे को बुलाएंगे, हम लोग करेंगे ना काम, और आप जैसा कहेंगे हम वैसे करेंगे, हम करेंगे काहे। फिर उतारो कपड़े, चलो चलो चलो, देर मत करो। देखिए आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं यहां पे, और एक चीज कहकर ये दो तीन चीज साध रहे हैं उसमें, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? एक तो ऐसे बिना कपड़ों के आपको रास्ते पर भेजकर आपको जलील कराएंगे, फिर ये साबित करेंगे कि मेरे ना कहते हुए भी आपने मेरी बात नहीं मानी तो ये आपसे कुछ भी करवा सकते हैं, और तीसरी बात ये कि कुछ पैसे देकर अपने घर का सारा काम करवाएंगे, और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम सब बस इसी काम के लायक है और इसी के लिए हम बने हैं। इसलिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं आपसे, इनकी बातों में मत आइए। ए, जल्दी से बताओ, समय नहीं हमारे पास। हाँ ये भीमराव बिल्कुल सही कह रहा है, हम ये काम नहीं करेंगे। प्रणाम साहब। प्रणाम, किसे ले आई लक्ष्मी? रमा, आप रमा को तो जानते ही होंगे, वो साहब अगर यहाँ कुछ काम है तो इसे भी दे दीजिए ना। चलो थाने, मैनेजर और मैनेजर को सही कहने वाले सब लोग, अब तो सीधे मालिक से ही बात होगी। देखिए मैनेजर साहब, नौकरी पर रख लीजिए, नहीं तो थाने चलना होगा।
केस लड़ना पड़ेगा। भीम जोखू का केस जीत गया है तो ये भी जीत जाएगा। देखिए, जो हुआ वो अलग बात थी, वो हक की लड़ाई थी, मगर अभी काम की जरूरत है, और अगर मैं काम करूंगी तो श्रद्धा और मेहनत से ही करूंगी। करुणा, तुम बताओ, इस रमा को नौकरी मिलनी चाहिए या नहीं? अरे मैं क्या बताऊं साहब, आप जानिए कि इसे नौकरी देनी चाहिए या नहीं। तुम यहाँ काम करती हो इसलिए राय मांग रहा हूँ। तुम कहोगी तो इसे नौकरी मिलेगी, नहीं कहोगी तो नहीं। अब बताओ। साहब, अगर ये रहेगी तो कलेशी करेगी, बात बात पे ज्ञान देगी और लड़ती रहेगी। मेरी मानिए तो इसे नौकरी देना बेवकूफी है। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही है? रमा को अगर ये नौकरी मिल जाएगी तो वो भी कुछ कमा लेगी। आपको काम नहीं देना है तो कोई बात नहीं, शुक्रिया। अरे मैंने तो बस पूछा, नौकरी क्यों नहीं देंगे? लक्ष्मी जाओ, रमा को अपने साथ लेकर। बस ये बताना कि भीमराव सारी दुनिया को समझाता रहता है पर अपनी भाभी को नहीं समझा पाया। मन में इतनी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। रमा चलो, मैं तुम्हें काम बताती हूँ। अच्छा है, भीमराव का आधा परिवार तो यही काम करने आ गया है। अब तो इस आधे परिवार को लड़वाऊंगा जिसका असर घर तक होगा। अरे तुम कितनी खराब औरत हो, कितनी घटिया हो, तुम अपनी ही देवरानी को नौकरी देने से मना कर रही थी। अरे वो दोनों तो लगती हैं भीमराव के परिवार से, और तुम नहीं लगती हो महान भीमराव के परिवार से। भीम बिल्कुल सही कह रहा है, हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन भीमराव एक ठो शरत है हमारी। कौन सी शर्त? शर्त ई है कि जितना पैसा ही साहब लोग दई रहे ना हमका, उतना तुम हमको दई दे तो हम ना करेंगे। और बाकी तोहरे भाषण दिए से और सलाह दिए से बात नहीं मानेंगे हम तुम्हारी। अब बताओ, दे तो पैसा, कहूं से भी तो पैसा ला के दे सका हो तो हम ही काम नहीं करेंगे। बोल। चलो भीमराव, मैं बता, मानोगे जोखू की है शर्त? अब तो हम भी देखना चाहते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। सबको ज्ञान बांटते रहते हो कि पहले जूझता हूं फिर जीतता हूं, तो ठीक है जूझो और जीत कर दिखाओ, हम भी तो देखें कि क्या कर पाते हो तुम। बताओ भीम। बोलो भीम। बोलो। ये बताओ ना, पैसे दोगे? अगर तुम दई सकत हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सब जाएंगे काम करने। बोलो। जोखू का आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ बात सिर्फ पैसे की नहीं है। क्या कहा? बात सिर्फ पैसे की नहीं है? बात हमेशा सिर्फ पैसों की ही होती है, और अगर ऐसा नहीं था तो तुम क्यों पढ़ाई छोड़कर पैसों के लिए काम करने लगे? बोलो, है तुम्हारे पास कोई जवाब? नहीं ना,
ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये मनोहर बाबू और ये जोगू बाबू है ना, वैसे मेरा एक दोस्त था, सब्जी की दुकान चलाता था। और जब भी उसकी दुकान पर कोई सब्जी खरीदने आता था ना, तो अमीर लोगों के जन्म की तारीख वो लिख कर रख लेता था और फिर उसके जन्मदिन पर कुछ सब्जियां मुफ्त में दे देता था। मैं उसके साथ 7 सालों से काम कर रहा था, लेकिन उन 7 सालों में उसने मुझे कभी भी जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी। शुभकामनाएं तो छोड़ो, एक कप चाय तक नहीं पिलाई। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए भीमराव, बात हमेशा सिर्फ पैसों की ही होती है। इसलिए पैसा देखो तो ठीक, नहीं तो हम काम करेंगे। बोलो भीमराव, कुछ बोलोगे अब? बोलो भीमराव, दोगे पैसा इनको? अरे बोलो। कहाँ से दूंगा मैं इतने पैसे? तो भीमराव एक काम करो, ये जो पैसे दे रहे हैं ना, ये तुम्हारे 2 महीने के तनख्वाह के बराबर है। तो तुम एक काम करो, 2 महीने की तनख्वाह मत लो, मैं वो पैसे इन्हें दे देता हूं। बताओ भीमराव, दोगे अपनी 2 महीने की सारी तनख्वाह इन तीनों को? पता है रमा, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा लग रहा है। अब हम दोनों साथ में जो काम कर रहे हैं, और तुम्हें पता है यहाँ ना काम कभी खत्म ही नहीं होता है, हमेशा बहुत सारा काम रहता है। और अब तो यहाँ के साहब भी हमारे पक्ष में बात करते हैं, पहले की तरह चिढ़ते नहीं है। अब देखना, हम दोनों यहाँ अच्छे से काम करेंगे और हमारा जीवन अच्छे से बीतेगा। और दीदी, आपने मेरा साथ दिया इसलिए शुक्रिया। अरे तुम क्या बात बात पे शुक्रिया कहती हो, बहुत बुरी आदत लगी है तुम्हें। नहीं दीदी, मेरे पति जो डायरी लिखता है ना, उसके 5वें पन्ने पर लिखा है कि हम अगर मदद करने वाले के प्रति शुक्रगुजार नहीं रहे ना, तो एक एहसान फरामोश समाज का निर्माण होगा, और एक एहसान फरामोश समाज किसी बेहतर भविष्य की जमीन नहीं हो सकता है। भीम बाबू, और तुम्हारी बातें हमारे समझ में थोड़ी आएगी। सुनाई दे रही थी उन दोनों की हंसी, और ये हंसी होगी तुम्हारे व्यवहार पर, तुम्हारी बेवकूफी पर। इसीलिए किसी और से ना सही, अपनी दोनों देवरानियों से सीखो कैसे रहना चाहिए। जा कारखाना, और जैसे यहाँ घर में खेल कर रही है वैसे वहां भी कर, जिससे उस लक्ष्मी की नौकरी छूट जाए, उसे डांट खानी पड़े और वो अपमानित हो, वैसे कुछ भी। हाँ आई, यहाँ भी नाटक करूंगी, तमाशा होगा, और इन दोनों को औकात कारखाने में भी दिखाऊंगी। जब अपनी तनख्वाह की बात आई तो ये सोच रहा है। भीमराव, जब तुझे अपनों की इतनी ही फिक्र है ना, तो दे देना अपनी 2 महीने की सारी तनख्वाह। बोलो भीम, दोगे तनख्वाह? अरे बोलो कुछ। अरे जवाब दो ना, बोलो। लेकिन उससे क्या होगा? चलिए मान लीजिए मैं मेरी तनख्वाह दे देता हूँ आपको, उसके बाद ये कुछ और पैसों का लालच दिखाएंगे आपको, फिर वही होगा। दरअसल आप जिस तरह से इनके घर काम करने जा रहे हैं ना, वो तरीका ही गलत है, और आपको जाने से मेरी तनख्वाह नहीं, आप सबकी सोच रोक सकती है। इसलिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि हमें सबसे पहले हमारी सोच बदलनी चाहिए, और आपकी सोच मेरी तनख्वाह से नहीं, बल्कि आप सबको समझा कर
कुछ चीजों का एहसास दिलाकर बदली जा सकती है। बस हो गई नौटंकी खत्म है, तब ऐसा करो कि अपनी सोच को अपने पास ही रखो। अगर तय पैसा नहीं दे सका तो हम सब काम करने जाएंगे, समझे? और इनकी शर्तों पर काम करने जाएंगे, समझे? चलो चलो चलो, फिर उतारो अपनी अपनी बंडियां, चाहिए ना पैसे, चलो चलो।